चलिए रोमांटिक फिल्मों के रॉक स्टार हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, तो एक दो सवाल तो बनता है उस रोमांस के इर्द गिर्द जो ये फिल्मों में अपने दर्शकों के लिए रखते हैं। और इसीलिए इससे पहले कि हम जरा तीखी बातों पर पहुंचे, जहरीली बातों पर पहुंचे फिल्मों पर आपकी मैं बाद में आऊंगी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में इम्तियाज अली या खान होना मुश्किल वक्त है। क्या होना? इम्तियाज अली या खान होना मुश्किल है? आप ये बोल रही हैं कि मैं अपने नाम की वजह से मुश्किल है मुझे? नॉट एट ऑल। क्या मतलब? मेरे मजहब की वजह से? It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster. लोगों ने तो एक पूरी फिल्म बना दी My Name Is Khan. हाँ, तो वो जो उन्होंने My Name Is Khan बनाई थी, वो बहुत अच्छी, बहुत अहम फिल्म थी और वो पूरे दुनिया के लिए थी। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं थी सिर्फ। और ये बात तो जरूर है कि किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कौम में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ मेरी तरह भी होते हैं। तो जो उतने अच्छे नहीं, मतलब यूजुअली ये होता है ना कि आपका पूरा, जैसे कि पूरा देश सफर करता है अगर उस देश के कुछ लोग कुछ एक काम करते हैं जो गलत है। सो आई डोंट थिंक इतना भी कोई बेवकूफ होता है कि हर इंसान को उस कौम के या उस संप्रदाय के हर इंसान को गलत समझे, ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, मुझे कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं है इस देश में या इस फिल्म इंडस्ट्री में, या मैं बहुत शहरों में रह भी चुका हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि देश में अब डर लगता है उनको। फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द एक बहुत गहरी दीवार सी बन गई है, लकीर सी, जिसमें या तो आपको कोई इस पार दिखता है या उस पार दिखता है। आपको नहीं दिखता? जो मैंने कहा था ना कि मैं दिखना नहीं, देखना चाहता हूं, तो ये सब देखना नहीं चाहता हूं मैं। मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है आसपास और उन चीजों के बारे में मैं ज्यादा सोचता हूं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं। जब ऐसा फील होगा मैं आपको SMS कर दूंगा, आप उसका निवारण कर देना। और राष्ट्रवाद को लेकर के कोई विवाद हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। इस राष्ट्र में जो भी रहता है वो अपनी मर्जी से रहता है। एंड पॉलिटिक्स को लेकर के, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के विवाद हो सकते हैं। वो मतलब संविधान हमें उसकी इजाजत भी देता है। बट हाँ, मुझे कोई खतरा या कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। तो जो फिल्म स्टार्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये मतलब आपके अनुभव से दूर है वो? मेरे अनुभव से दूर है वो, हाँ। मतलब मैं लगातार आपकी कई जगहों पर, कोशिश कीजिए, फंसाइए, चलिए आप फंसा के दिखाइए मुझे। कई मंच पर आपने इम्तियाज ये कहने की कोशिश की है कि मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पता ही नहीं चलता कि मैं मुस्लिम हूं। ये मासूमियत है या पोजिशनिंग है? मासूमियत है। मैं आपको खुश करने के लिए ये तो नहीं बोलूंगा कि ये पोजिशनिंग है या ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मगर जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से मक्खन नहीं निकलता दूध से। लेकिन मक्खन की गुंजाइश है इस दूध में। आप कोशिश करिए, आपकी कोशिश पर डिपेंड करता है। चलिए मुझे ये समझाइए कि अभी जो देखिए ऐसा है ना, आप रांची से है ना, तो मैं भी जमशेदपुर से हूँ। निकली है तो दूर तलक जाएगी, और अगर दूर तलक जाएगी तो मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता देती हूं कि बॉलीवुड में हमने बाय एंड लार्ज देखा है रूल ऑफ खान्स,
और हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ उनके इंटरेक्शन को ये बताया गया कि ये भी तो नतमस्तक हो गए मौजूदा सरकार के सामने। क्या हो गए? मतलब इन्होंने भी सर झुका दिया? हाँ, सर झुकाया। नहीं, आप कह रही हैं, मैं पूछ रही हूँ, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सर झुकाया या मोदी जी की बात पसंद आ गई? राष्ट्रवाद अब मोदीवाद में तब्दील हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। प्रधानमंत्री अगर आपको न्योता देते हैं कि आप आइए और अपने विचार शेयर कीजिए, मैं गांधी जी के ऊपर कुछ फिल्मों को बनाना चाहता हूँ, तो किस कारण से कोई नहीं जाएगा, ये आप मुझे बताइए। ऐसी क्या बात हो सकती है कि इंसान बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा? ऐसी कोई बात थी नहीं, तो सारे लोग गए। एंड मैं मानता हूं कि सारी दुनिया में अभी बहुत उत्तेजित हैं लोग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, सारी दुनिया में बहुत उत्तेजना है। मैं कई देश में जाता हूं, हर जगह वैसा है, बट मुझे लगता है कि लहर की तरह ये भी गुजर जाएगा, हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी है। आपकी जगह क्या है? मेरी जगह ये है, ये कुर्सी मेरी जगह है, ये मेरी जनता है और आप मेरी इंटरव्यूअर हैं। और इस जगह की नींव किस सोच पर पड़ी हुई है? एक सोच नहीं होती है वो, हम लोग फिल्मों में कहते हैं कि एक सोच पर एक कोई चीज होती है, बहुत सारी सोच है। लेकिन एक तनाव पैदा किया गया है न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में, और उसके पीछे ये कहा जाता है कि जो मौजूदा सरकार के साथ खड़ा है उसमें बौद्धिक सोच की कमी है। मतलब जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है इस दुनिया में, इस देश में खास तौर पर, वो ये मानता है कि राइट विंग आइडियोलॉजी को वो थोड़ा हीन दृष्टि से देखता है। तो वो मानता है कि ये जो लोग धीरे धीरे सरकार से मिल रहे हैं या उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वो अपने बौद्धिक सोच, अपने रचनात्मकता से समझौता कर रहे हैं। मतलब दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर क्रिएटिविटी ताकि वो सरकार के सही साइड पर खड़े रहे। ये सच है? और अगर सच है तो इसका जवाब क्या है? अगर सच नहीं है तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता, तो ये मुझे लगता है कि कोई सच है नहीं। नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकता हूं, मेरा विचार ये नहीं है। आपका ये विचार बिल्कुल नहीं है? मेरी आंखों में देखिए, लुक इन टू माई आईज। मेरा विचार है, ये आपका विचार नहीं है, मैं समझ गई। बस जो आपने वहां कहा था ए पॉलिटिकल, आपकी दोनों आंखों में ए पॉलिटिकल लिखा हुआ है। तो क्यों ना रहे, मैं एज अ फिल्म आर्टिस्ट। क्यों क्यों इम्तियाज अली को ओपिनियन मेकर बनने में थोड़ा सी झिझक होती है? क्योंकि आप हैं ना, इम्तियाज अली आप हैं ओपिनियन मेकर। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। आप बनाएंगी ओपिनियंस, लेकिन आपकी फिल्में सोचिए कहां कहां पहुंचती हैं, कहां हमारे खड़े होने पे लोग ऐसे आसमानी चुम्मे बिखेरते हैं। एक वजह होती है कि ऐसा होता है। इसी से मेरा अगला सवाल आपसे यह है, कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे? कश्मीर में मैंने बहुत फिल्में बना चुका हूँ एक्चुअली। मैंने 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है, उसका नाम आप ही ने या उन्होंने पढ़ा था जी, लैला मजनू। नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे ये बिल्कुल पूछ रही थी। बिल्कुल, और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। झुमका गिरा रे बदली के बाजार में, झुमका गिरा। आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, मैं तो आज इम्तियाज अली से ये जान के ही, समझ के ही आगे बढ़ूंगी कि मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में क्या वाकई सोच सरकार के तरफ या सरकार के खिलाफ जाने पे एक झिझक जरूर मन में होती है कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया तो यार ये भक्त लॉबी मेरे पीछे ना पड़ जाए, कहीं मैंने ये बोल दिया तो ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट वाले ज्ञानी बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर वो मुझे ज्ञान न देने लगे। ये झिझक तो मन में
ये तो हमेशा होती है, जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे पसंद करने लगे। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। और मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है तब से चाहे कोई भी सरकार हो आप हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं। आप मुस्लिम हैं, ये आप भूलकर अपना काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूं कि मैं जमशेदपुर से हूं, जैसा कि मैंने कहा। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूं कि मैं हिंदू कॉलेज का हूं। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूं कि मैं बॉम्बे में रहता हूं। मैं बहुत सारी चीजें नहीं भूल सकता हूं। और मुझे भूलने की जरूरत क्या है, मुझे किसी भी चीज पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई शेम नहीं है, तो मुझे भूलने की जरूरत ही नहीं है। मैं सब चीज या सब कुछ याद करके इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। कहते हैं क्रिएटिव आदमी या तो उस घेरे के अंदर रहता है तो वो बाहर की बात करता है, और बाहर रहता है तो वो अंदर के बारे में कुछ लिखता है, बनाता है। आप कहाँ खड़े हैं? जैसा कि मैंने कहा, आप तो एक ही सवाल बार बार पूछ रही हैं कि मैं यहाँ हूँ, ये जो भी यहाँ है मैं वहीं पर हूँ। आप कहाँ खड़ी हैं? आप कहाँ खड़ी हैं और मैं कहाँ आऊं कि आप मुझे मिलेंगी, क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर हैं और आप मुझे बुला रही हैं, मगर आप भी सोचिए कि मैं भी आपको बुला रहा हूँ। ये तो लगता है उल्टा इंटरव्यू के मूड में आ गए हैं। आज देखिए फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, देश को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि इम्तियाज अली, जो कि जमशेदपुर से है, हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, उनकी देश की मौजूदा स्थिति पर भी एक सोच होगी। जैसा हम हॉलीवुड में देखते हैं मौजूदा सरकारों के खिलाफ बोलने में किसी को हिचक नहीं होती है, या उसके पक्ष में भी उतने ही लोग खड़े होते हैं, वो झिझक यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में है? और अब तो मैं देख रही हूँ कि वो झिझक जो एक आंखों का पानी पहले होता था वो भी दरकिनार हो रहा है। कई लोग खुलकर झुके नहीं, रेंगते हुए दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर बात में गलती दिखाई देती है। तो मैं सिर्फ ये सवाल इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये समझ में आए कि वो सच्चाई आपको भी दिखती है या नहीं दिखती है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ अभी नहीं दिखती, वो हमेशा रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा खिलाफ होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपकी तरफ होते हैं। तो अब कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो आई थिंक उनका अपना अपना ओपिनियन है यार। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ऐसा भी बंदा नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा सबसे मिलजुल करके उनकी राय पूछता हूँ कि भाई आप क्या पूछ रहे हो, बताओ कि आप क्या सोचते हो, अंजना ने पूछा तो मैं क्या बोलूं? ऐसा भी मैं नहीं करता हूँ। मैं उतना सोशल ही नहीं हूँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आपको किसी और को बुलाना चाहिए था जो जानते हैं कि हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री में क्या कर रहा है।